हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज, जो हमारा चैप्टर का नाम है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखो लीनियर आपने पढ़ा होगा कि आपने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है उनके अंदर पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो देखो आप लीनियर इक्वेशन से करते क्या हो कि आपने देखा होगा कि जो भी हमारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स थी, वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर, तो हम बहुत लगभग वर्ड प्रॉब्लम्स है वो इक्वेशन से हम सोल्व कर लेते थे। इक्वेशन में इक्वल टू के साइन, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ी है तो वहां पे हम इक्वलिटी के थ्रू या इक्वेशंस के थ्रू उनको सोल्व करते हैं। बट बहुत सी इक्वेशन ऐसी होती है जो इक्वेशंस के थ्रू नहीं होती, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, इन इक्वलिटी यूज करते हैं, इन इक्वेशन से हम वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 11 में इंट्रोड्यूस किया है लीनियर इन इक्वेशंस। अब आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस। देखो पहले हम जो चैप्टर डिस्कस करवाएं इससे पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं होता क्या है। आपने पढ़ा होगा लीनियर लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या प्लस सी, ए की बात है प्लस सी इक्वल टू जीरो या इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन है। ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल। कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स। आपको पता है वेरिएबल यहां पर एक्स एंड वाई है। तो आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, और इसके सॉल्यूशंस के भी डिफरेंट मेथड आपने पढ़े होंगे जो क्लास 10th में भी थे, इससे पहले भी हमारे थे। उसके बाद देखो अगर हम ये लिखें ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये जो सेकंड है ये लीनियर इक्वेशन तो है पर कैसी है, ये वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। इनको सॉल्यूशन करने के लिए बहुत ही आसान मेथड था, भाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये हमारे इसमें मेथड थे सॉल्व करने के। बट हमारे पास जो हमने बताई क्यों रिक्वायरमेंट हुई इन इक्वेशंस की, वो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जब भी शुरू किया था चैप्टर, हमने अभी शुरू किया है तो हमने बताया है आपको। अब देखो लीनियर इन इक्वलिटीज, इन मतलब यहां पर इक्वल का साइन, इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। इक्वलिटी तो कौन से साइन आए, इक्वलिटी का नहीं आए, तो आपने पढ़ा होगा ये साइन, ये आपने छोटी क्लासों से पढ़ना शुरू किया होगा, इसको बोलते हैं लेस देन, क्लियर, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इसको आपने पढ़ा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन नीचे है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू। और ये जो मेरे पास है इसको भी आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो हम इनका यूज करेंगे लीनियर इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है उसके बारे में हम बताएंगे, वन वेरिएबल्स के भी क्वेश्चंस हैं हमारे, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो कुछ देखो हमारे पास इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इजीली हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है ना, बट यहां इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो कुछ हमें डेफिनेट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग देखिएगा सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है कि लीनियर इन इक्वलिटीज ऑफ टू वेरिएबल्स के बारे में बता रहा हूं, जो टू वेरिएबल की जो लीनियर इन इक्वलिटीज है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ए एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की होती है, जैसे ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, तो यहां से क्या होगा, इक्वल टू की जगह ये रिप्लेस हो जाएंगे लेस देन ग्रेटर देन, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ये साइन हमारे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इसमें। तो ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी हो, यहां पर ए एक्स प्लस बी वाई या ग्रेटर देन इक्वल टू सी आ जाएगा, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी होगा, या ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी होगा। तो ये इन इक्वेशंस के आपके साइन आने वाले हैं, और जहां पर ए और बी और सी हम ले रहे हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्स्टेंट होते हैं, मींस रियल नंबर्स हमारे होते हैं, ठीक है ना। अब आपको एक बात और बताते हैं, जैसे आप जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है ना, दोनों एक ही साइन लिख दिया हमने, लेस देन और ग्रेटर देन आता है, इनको अपन बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज, जहां पर इक्वल टू का साइन नहीं आए, ओनली ग्रेटर देन आए या फिर लेस देन आए, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज, और जहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू आता है उसको हम बोलते हैं स्टैक इनइक्वलिटीज। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखोगे, इजी है
ये कॉन्सेप्ट आप देखना, बड़ी इजी एक्सरसाइज है। जैसे आपको इक्वेशन सोल्व करने में बड़ी आसानी होती थी, इसको भी सोल्व करने में चैप्टर को बहुत आसानी होगी। इसमें हम आपको सॉल्यूशंस बताएंगे उसके, और प्लस लीनियर इक्वेशंस के जैसे ग्राफ किए हैं इसमें हम आपको लीनियर इनइक्वेशंस के ग्राफ बताएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए आगे हमारे पास, देखो ये मैं जो छोटी छोटी टर्म्स है जो इसमें यूज होती है आपको बता रहा हूं, रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, जिस सेट से आप आंसर लेते हो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट, या जहां से हम वेरिएबल की वैल्यू चूज करते हैं जिस सेट से उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। और रिप्लेसमेंट सेट होता है उसका जो सबसेट लेंगे वो होगा सॉल्यूशन सेट। मैं अभी बताऊंगा आपको, क्लियर करूंगा। देखो द सेट फ्रॉम विच वैल्यू ऑफ एक्स इज टू बी चूजन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। जहां से वैल्यू ऑफ एक्स चूज की जाएगी उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। एंड इट्स सबसेट हुज एलिमेंट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई करते हैं जो एक्स की वैल्यूज वो होगा सॉल्यूशन सेट। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है 2x plus c less than, यहां से है 2x plus c less than equal to 8, ये दे रखा है, ठीक है। तो आप सोल्व करोगे तो यहां से आप 2x less than 8 राइट में जाके माइनस 6 होगा, तो 2x less than 2 और x क्या आएगा less than equal to भी है 2 by 2, so x आएगा less than equal to 1, ठीक है ना। नंबर एक, इफ द रिप्लेसमेंट सेट हम कंसीडर कर रहे हैं, इफ द रिप्लेसमेंट सेट, मैं सबसे पहले ले रहा हूं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अगर इसका रिप्लेसमेंट सेट होता है तो इसका सॉल्यूशन बताना है आपको। तो आपको क्या करना है, वो वैल्यूज लेनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और नेचुरल वैल्यूज होनी चाहिए। तो आप इसका सॉल्यूशन सेट क्या लोगे, इसका सॉल्यूशन सेट आप लेने वाले हो लेस देन इक्वल टू 1 है तो ओनली आपको पता है 1 ही आएगा, क्योंकि नेचुरल वैल्यू जो लेस देन इक्वल टू 1 हो तो ओनली 1 होती है। अगर हम बात करें, आप कहो जी हमें रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर लेना है, ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है, रिप्लेसमेंट सेट क्या है होल नंबर है, तो आप इसका सॉल्यूशन सेट बताइए। तो आपको पता है वो होल वैल्यूज लेनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इसका होने वाला है 0 1, क्या होगा 0 भी होगा और 1 भी होगा क्योंकि होल 0 भी होता है। या अगर आप कहो सर हमें तो इसका जो रिप्लेसमेंट सेट है वो इंटीजर लेना है, क्या लेना है इंटीजर, तो इंटीजर आपको लेना हो तो आप क्या करोगे, तो इंटीजर्स आप क्या करोगे, तो थर्ड में अगर आपको इंटीजर जेड लेना हो और इसका सॉल्यूशन सेट बताएं तो क्या होगा, हमारे 1 0 जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है -1 -3 वो सब की सब हमारी आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि किस सेट से हमें आंसर लेना है, इसका रिप्लेसमेंट सेट क्या है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, कि जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा वही उसका सॉल्यूशन सेट होगा। बड़ा इजी है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पहले हम और इंट्रोडक्ट और बताते हैं इसके अंदर कि रूल्स है कुछ इक्वेशन सोल्व करने के, कुछ रूल्स है जो हम आपको डिस्कस करवाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है इसके अंदर, वो रूल क्या है, ये रूल है कि इक्वल नंबर मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज। मान लीजिए कोई भी आपके पास इनइक्वालिटीज है उसके अंदर बोथ साइड हम कोई सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटीज के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे पास मान लीजिए यहां से ये दे रखा है, आपके पास कोई इनइक्वालिटीज है, ये है a लेस देन इक्वल टू b, कोई भी हो सकती है, लेस देन इक्वल टू हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है। तो अगर आप फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग बात करते हो तो फर्स्ट रूल कहता क्या है कि अगर हम बोथ साइड, मान लीजिए लेट p बी एनी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है मेरा, ठीक है ना, या कोई नंबर दे रखा है, पहले हम क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर ले रहे हैं रियल नंबर, तो अगर हम उसमें p ऐड करते हैं बोथ साइड, ये नहीं कि एक साइड, अगर आप बोथ साइड ऐड करते हो तो इनइक्वालिटी जो ये है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा,
वो इनइक्वालिटीज जो वैल्यू उसकी सेम ही रहेगी। ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो पी बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी इनइक्वालिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी इनइक्वालिटीज दे रखी है और आप कोई नंबर उसमें सब्ट्रैक्ट करते हो या फिर ऐड करते हो तो इनइक्वालिटीज के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद उसका जो थर्ड रूल है हमारा क्या बोल रहा है कि कोई भी इनइक्वालिटीज है अगर आप उसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो भी इनइक्वालिटीज के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब मैंने बोला है कोई सेम नंबर हम और कैसा नंबर, पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां से जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे p कोई नंबर है पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड तो भी इनइक्वालिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। या फिर आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी इनइक्वालिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। या तो आप मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड, वो देखो अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो इनइक्वालिटीज से या डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बट ये अगर हमारे पास p इज नेगेटिव है, अगर मान लीजिए p की वैल्यू नेगेटिव है तो अगर हम इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं p से, बोथ साइड अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। यही है हमारा रूल कि बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटीज कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर, बट वेन बोथ साइड आर मल्टीप्लाई, यहां मतलब बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ए नेगेटिव नंबर, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज इज रिवर्स। ऊपर बोल रहा है अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटीज पर कोई इफेक्ट नहीं होता उसके साइन पर, बट क्या बोल रहा है अगर नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो या फिर आप डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे मेरे पास लेस था वो हो जाएगा ग्रेटर। क्लियर, ये ध्यान रहे कभी भी इनइक्वालिटीज को अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उसका साइन रिवर्स करना है। लेस होगा तो ग्रेटर लेंगे, ग्रेटर होगा तो लेस लेंगे, लेस देन इक्वल टू होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे। जैसे यहां पर मान लीजिए इक्वल टू है तो यहां भी हम इक्वल टू का ही साइन लेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, बट पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका लास्ट रूल है हमारा, मान लीजिए कोई भी इनइक्वालिटीज है, जैसे a लेस देन b है, ठीक है ना, नीचे रूल लिख रखा है मैंने, जैसे आप पढ़ सकते हो इफ बोथ द साइड ऑफ इनइक्वालिटीज आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दोनों साइड आपके चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, टेकिंग देयर रेसिप्रोकल द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज रिवर्स, आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें लिख रखा है इनइक्वालिटीज रिवर्स, लास्ट में रिवर्स है तो आपको सुन नहीं हो रहा है। तो क्या है ए लेस देन बी, अगर क्या बोल रहा है कोई भी इनइक्वालिटीज है अगर आप उसका रेसिप्रोकल करते हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकता है ये, जैसे 1 बाई ए या 1 बाई बी करते हैं, रिवर्स करते हैं उसका, तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इनइक्वालिटीज के कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं यहां पर, जहां से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो इनको ध्यान में रखोगे। उसके बाद आपने पढ़ा होगा इंटरवेल्स के बारे में, अच्छे से पढ़ा होगा इंटरवेल, सब बताएंगे आपको, सॉल्यूशन सेट ग्राफ सब बताएंगे, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी हमारे इंटरवेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इंटरवेल्स का वैसे तो हमने सेट जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसमें मैंने करवाया है, आप लेक्चर देख सकते हो, फिर भी हम एक बार फास्टली इसको रिवाइज करते हैं। इंटरवेल्स में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ए और बी टू रियल नंबर्स हैं, ए और बी रियल नंबर्स हैं, अगर हम बोलते हैं क्या बोलते हैं कि अगर मैं बोलूं कि यहां से कि ए अगर एक्स कोई वेरिएबल है, एक्स कोई वेरिएबल है और एक्स की वैल्यू है वो दोनों के बीच में है, एक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। तो इसको हम ओपन इंटरवेल में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मींस इसको ओपन इंटरवेल ले सकते हैं। ओपन इंटरवेल का मींस क्या होता है, हमने पहले भी बताया है कि जो वैल्यूज हम ओपन इंटरवेल्स में लेते हैं, जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है जैसे ए एंड बी, वो उसमें इंक्लूड नहीं होंगी। इन बिटवीन जितनी भी वैल्यू है वो सारी इसमें इंक्लूड है। इट मींस ए और बी को छोड़ के इसके बीच में जितनी भी वैल्यू है वो सब की सब इसमें इंक्लूड होंगी हमारी, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपने इनइक्वालिटीज में पढ़ा है, अगर हम यहां से इक्वल टू लेते हैं या इक्वल टू अगर हम लेते हैं तो इसका मींस क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। इट मींस क्या है कि इसमें ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, इन बिटवीन जितनी भी वैल्यूज हैं एक्स की वो सब इंक्लूड है। तो क्लोज इंटरवेल हम लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवेल का मींस दोनों इंक्लूड वैल्यूज है, इन बिटवीन सारी वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ पर डिनोट करें, जैसे इसको हम ग्राफ पर डिनोट करें तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए ये ए है ये बी है, आप देखिए ग्राफ भी हम बनाएंगे, आप अच्छे से क्लियर करिए इस चीज को। अगर ओपन इंटरवेल्स में है ए एंड बी तो ए पर ओपन और बी पर ओपन यहां से होगा, ए और बी पर दोनों पर ओपन इंटरवेल होगा और बीच में जो ये आएगा डार्क, ठीक है। इट मींस ये आएगा हमारा ये सॉल्यूशन सेट है, एक्स बिलोंग्स टू रियल। अगर इसका हमें सॉल्यूशन सेट या ग्राफ पर डिनोट करना हो ये पॉइंट तो ऐसे डिनोट होगा। मान लीजिए ये क्लोज इंटरवेल हो ए एंड बी, मान लीजिए क्लोज है तो ए पर डार्क सर्कल करेंगे, दोनों के ऊपर डार्क सर्कल कर दीजिए, ठीक है। और यहां से दोनों को बी, इन बिटवीन जितनी भी वैल्यूज है वो सारी हम लेंगे। अगर इंक्लूड हो तो डार्क सर्कल करेंगे, इंक्लूड नहीं हो एक्सट्रीम वैल्यूज तो ओपन सर्कल करेंगे। उसके बाद आपने इनइक्वालिटीज का और भी बहुत सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने और भी देखे होंगे इसमें ग्राफ किस प्रकार हम बनाते हैं सब देखिए, उसके बाद आप देखेंगे। मान लीजिए थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट था, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है लेस देन इक्वल टू बी है, तो इट मींस अगर आप सेट की फॉर्म में लिखते हो तो यहां पर ए पर तो क्लोज इंटरवेल होगा, बी पर होगा हमारा ओपन इंटरवेल, ए पर क्लोज रहेगा बी पर ओपन रहेगा। और इसका अगर ग्राफ बनाओ तो इसका मींस आपको पता है पहले से ऑलरेडी कि ए पर क्लोज इट मींस ए पर डार्क सर्किल और बी पर ओपन सर्किल बनेगा, और इन बिटवीन जितनी भी वैल्यू है वो सब की सब हम इसमें लेंगे। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ आपने ये भी पढ़ा होगा, x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b, तो यहां पर देखो a इंक्लूड नहीं है बट b इंक्लूड है, तो a पर हम क्या लिखेंगे ओपन इंटरवेल, b पर हम लिखेंगे क्लोज इंटरवेल। देखो एक एक इंटरवेल का हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया है, जो ये आप साइन लगाते हो, कभी ये लगा देते हो, कभी ये लगा देते हो, कभी कब ये लगाते हो, इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग ही आप लगाएं। जैसे मैंने आपको बताया ओपन का क्या है, क्लोज का क्या है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मीन्स क्या है। जैसे सेमी ए और बी क्लोज है तो इट मींस क्या है, इसमें ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है और इन बिटवीन जितनी भी वैल्यू सारी इंक्लूड है। नहीं है तो ओपन है तो क्लोज इंटरवेल, और इस प्रकार हम डार्क करेंगे। तो ये आपने कुछ पढ़ा गया इसमें इनइक्वालिटीज में, ठीक है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा एक्स लेस देन ए हो तो इट मींस लेस देन ए, तो हमें नहीं पता कहां तक है, मैक्सिमम वैल्यू ए है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओपन इंटरवेल ए टू माइनस इंफिनिटी, ये हम लिखेंगे, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन सेट अगर हम बनाते हैं तो यहां से जैसे ए है तो ए पर ओपन सर्किल और इस तरफ थोड़ा ऐसे कर देंगे और इस प्रकार एरो कर देंगे, इट मींस ए से लेफ्ट में जितने भी हमारे रियल वैल्यूज है सब होंगे। अगर मान लीजिए यहां पर इक्वल टू होता तो यहां पर क्लोज इंटरवेल हम करते और इसको भी डार्क हम करते, आपको पता है, क्लियर। उसके बाद अगर सिक्स मेरे पास हो एक्स ग्रेटर देन ए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू प्लस इंफिनिटी। और इसका सॉल्यूशन सेट अगर हम ग्राफ पर डिनोट करें वो हम कैसे करेंगे, तो मान लीजिए ये ए है तो ए के ऊपर हमारा ओपन सर्किल होगा और अप टू इंफिनिटी जाएगा प्लस इंफिनिटी की तरफ, इधर माइनस इंफिनिटी होता है आपको पता है, इस साइड होता है हमारा प्लस इंफिनिटी, राइट साइड में नंबर लाइन जो राइट में होते हैं पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट में नेगेटिव, तो राइट जो इनफाइनाइट है इधर माइनस इनफाइनाइट होगा। तो इस प्रकार कर सकते, यहां पर अगर इक्वल टू का साइन अगर होता है
तो यहां पर हम क्लोज इंटरवेल लगाएंगे और ये डार्क हम कर देंगे। तो ये आपने कुछ इंटरवेल्स के बारे में आपने पढ़ा है, इनके अंदर किस टाइप से हम करते हैं, बड़े आसान और इजी कॉन्सेप्ट है, आप इजीली कर सकते हो इनको, ठीक है ना, इंटरवेल्स के बारे में। उसके बाद देखिए हम कुछ आपको ग्राफ बताते हैं। जैसे ग्राफ अगर हम बात करें, अगर आपको सॉल्यूशन सेट और उसके अंदर हम बात करें ग्राफ्स की, वो हम आपको डिस्कस करवाएंगे, तो किस प्रकार से किस फंक्शन का किस रिप्लेसमेंट सेट का कैसा ग्राफ बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपके पास क्या आते हैं नेचुरल होल या इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स मतलब आपके पास नेचुरल नंबर आए, होल नंबर आए या इंटीजर्स आए, अगर इसका आपको ग्राफ बनाना हो कभी भी, तो आप लाइन हमेशा बनाओगे डॉटेड। जो आप ये लाइन बनाते हो हम, ये जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो हम बनाते हैं, ये डॉटेड लाइन बनाओगे, याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें लेस देन इक्वल टू वन आया था, या आपके पास लेस देन इक्वल टू टू है, इसका रिप्लेसमेंट सेट है, जो इसका है रिप्लेसमेंट सेट है वो नेचुरल नंबर है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, तो आपको पता है सॉल्यूशन सेट आएगा क्या, तो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा लेस देन टू, तो इसमें हमारे पास एक तो वन इंक्लूड है, टू इंक्लूड है, तो वन और टू होगा, ठीक है। और इसका ग्राफ बनाए तो आपको पता है यहां से जीरो होता है, यहां वन होता है, यहां टू होता है, यहां थ्री होता है, यहां माइनस वन, यहां माइनस टू, तो आप क्या करोगे, वन और टू दोनों ही नंबर्स हैं, तो देखो अगर आप कर्ली में लिख रहे हो, देखो ओपन क्लोज सेमी ओपन सेमी क्लोज बताया, अब की बार मैंने कर्ली में लिखा है, कर्ली का मीन्स होता है एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो लिखी हुई है, जैसे वन टू है तो ओनली वन एंड टू है, इसके बिटवीन कोई वैल्यू नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, वन के ऊपर ऐसा डार्क सर्कल, टू पे, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। जितने नंबर हो सब सेपरेटली डार्क सर्कल करोगे, जब हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट क्या है, ये रिप्लेसमेंट सेट हो, रिप्लेसमेंट सेट कौन कौन से होने चाहिए, नेचुरल होल और इंटीजर्स हो। यही क्वेश्चन मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूं। मान लीजिए आपके पास यहां पे है x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ये नंबर है x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो इसका रिप्लेस सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, और रिप्लेसमेंट सेट हमने लिया है इसका नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट जो आने वाला है 3 to 3, 4, 5 up to infinity। देखो ये इंटरवेल्स हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास एक भी जो हमारे पास जो एलिमेंट्स ले वो हम क्या ले, रियल्स ले, तब हम ये लगाएंगे, अदरवाइज हम लोग कर्ली से लगाएंगे एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहां से, इसका अगर हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, तो देखो डॉटेड लाइन हम बनाने वाले हैं इस पे, ये हमारी डॉटेड लाइन हो गई, यहां से होगा जीरो, यहां से वन, यहां से टू, यहां से थ्री, यहां से फोर, तो आपको पता है थ्री फोर फाइव है, तो थ्री पर डार्क सर्किल, फोर पे डार्क सर्किल, अब कब तक डार्क करते रहोगे, ऐसे तो इनफाइनाइट है, तो आप क्या करोगे एंड के अंदर, जैसे ही आप करोगे एंड के अंदर थ्री डॉट बना दोगे, वन टू थ्री, और इस प्रकार एरो बनाओगे। याद रहे नेचुरल आए या होल आए या इंटीजर्स आए, अगर अप टू इनफाइनाइट आपको ड्रॉ करना है, तो आप टू से थ्री नंबर्स पर डॉट डार्क सर्किल बना दीजिए जो उसमें सॉल्यूशन में है, और अगर प्लस इंफिनिटी है तो यहां पर आप एरो लगाओगे इंफिनिटी की साइड और उसको थ्री डॉट बनाओगे, ठीक है। याद रहे ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके क्वेश्चंस को गलत करवा देगी, ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिए कि इसमें देखो समझने का कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी और आसान है, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत आएगा, ठीक है। उस प्रकार माइनस इंफिनिटी हो तो इधर करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि नेचुरल होल और इंटीजर्स का जब भी हमें ग्राफ बनाना हो तो किस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे, और अगर आपको रियल नंबर्स का बनाना हो तो यहां जैसे हमने किए हैं सीधे डार्क सर्किल जो हमारी लाइन बनेगी वो डार्क लाइन बनेगी, और पूरे के ऊपर इस प्रकार हम ये लगाएंगे जितना हमारा सॉल्यूशन है, जैसे हमारा इसमें ए और बी के बीच का सॉल्यूशन था, तो हम उस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि पता लगे कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है। तो आपको सॉल्यूशन सेट्स के बारे में अच्छे से क्लियर हुआ है इसके अंदर। अब इसी के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट और आता है हमारा,
ठीक है ना, जो आप एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस करोगे और आप बहुत से क्वेश्चंस आगे भी जैसे 12th में जाओगे तो इस सेट का हमारा मोस्ट यूज होता है वो हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए चाहे नंबर्स, अगर आपके पास ए एंड बी, आपके पास कोई भी वेरिएबल ऑफ एक्स है, कोई भी एक्स के वेरिएबल है या वाई के वेरिएबल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या इस प्रकार का सॉल्यूशन हो गया, या यहां से लेस देन इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, या फिर ये दोनों नंबर प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इस टाइप के नंबर्स अगर दो वेरिएबल्स प्रोडक्ट में है या फिर डिविजन में है तो हम किस प्रकार से करते हैं वो आपको बताएंगे। तो आप देखिएगा इनका रूल है, ये फॉर्म ए अपॉन बी की फॉर्म हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट रूल आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, या ओनली ग्रेटर देन। तो अगर हमारे पास दो हमारे पास कोसेंट फॉर्म आए और दोनों नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो आप क्या करोगे, एक बार आप दोनों को ग्रेटर देन जीरो लोगे, याद रहे डिनोमिनेटर में यहां पर इक्वल टू, आपको हर जगह इक्वल टू लेना है, ठीक है ना, इक्वल टू है तो इक्वल टू लेना है और ग्रेटर है तो ग्रेटर लेना है ओनली। बट एक बात ध्यान रहे, डिनोमिनेटर में कभी भी इक्वल टू नहीं आता, क्योंकि अगर वो डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो होता है वो नोट डिफाइन होगा। तो यहां पर लेंगे पी, एक बार ग्रेटर है तो दोनों को हम ग्रेटर लेके चलेंगे, बट डिनोमिनेटर में नहीं लेना है, एक बार लेस देन इक्वल टू जीरो एंड बी ग्रेटर लेस देन जीरो। मतलब क्या करोगे, एक बार दोनों नंबर्स को ग्रेटर देन जीरो लोगे और इन दोनों का इंटरसेक्शन, एंड मींस होता है इंटरसेक्शन निकाल लो, इधर ये फॉर्मेट लेंगे दोनों को लेस देन लेके उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अब जो दोनों का कंबाइन आंसर आएगा, और मींस होता है यूनियन करते हैं उनको, कंबाइन करके लिख देंगे। तो ये रूल आप ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए ओनली ए अपॉन बी ग्रेटर देन जीरो हो तो हम ये इक्वल टू का साइन यहां से हटा देंगे, याद रखें, ठीक है। या फिर आपके पास ये फॉर्मेट ऐसा भी हो सकता है, ए बी ग्रेटर देन, दोनों के प्रोडक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो हो, तो ये तीनों का रूल एक जैसा है, प्रोडक्ट में ग्रेटर देन जीरो आए या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आए, एक ही रूल से हम करेंगे इसी रूल से। सेकंड हमारा जो रूल है वो क्या है, अगर ए बी मेरा लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए, या फिर आपका ए बी लेस देन जीरो हो, या फिर आप ए बी लेस देन जीरो प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो, तो आप क्या करोगे, सिर्फ देखिए ये फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, जैसे लेस है तो आप क्या करोगे, ए अगर इसको आप ग्रेटर ले रहे हो, इसको अगर आप ग्रेटर ले रहे हो तो बी को आप लेस लोगे बीच में, और अब जिसको ग्रेटर अगर यहां पर ग्रेटर लिया है तो यहां लिख दीजिए लेस, एंड यहां पर लेस देन इक्वल टू जीरो लिया है, यहां पर लिख दीजिए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इट मींस आपको ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना है, बी लेस देन जीरो, दोनों का जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन करना है, यहां पर अपोजिट जैसे साइन यहां लिए उस साइड उससे अपोजिट लेंगे, जैसे हमने यहां पर ग्रेटर का लिया था अपोजिट साइन यहां पर लेस लिया था, उस साइड हम इसे अपोजिट साइन लेंगे, तो यहां पर इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इसका निकालेंगे, आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन करेंगे, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका ओवरऑल हम यूनियन कर देंगे दोनों के आंसर का। तो आप याद रखेंगे, अगर इक्वल टू है तो यहां इक्वल टू लगा दीजिए, अगर ये वाला है तो इसमें ये इक्वल टू का साइन आप हटा दीजिएगा। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है जो हम इसमें करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो हमारी एक्सरसाइज 6.1 वो हम करवाएंगे, ये हमारी है इंट्रोडक्शन, जो हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लिया है, नेक्स्ट में हम इसका सॉल्यूशन करवाएंगे जो एक्सरसाइज 6.1 है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।